हाय एवरीवन, हम आ गए हैं छत पे आज सैमी को लेके। आज सैमी के नहाने का दिन है, आज उसकी धुलाई होने वाली है, तो मैं उसको छत पे ले आई क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसको नहाने का बड़ा ही शौक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो सैमी कितना खुश है आज नहाने के लिए। बेटे ये लीजिए, आपकी अच्छी सी नहलाई करा देते हैं, बहुत खुश होता है मेरा बेटा नहा के, अच्छे बच्चे की तरह नहा लेता है, कोई नखरे नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। और गर्मियों से सर्दी, सर्दियों में भी बहुत प्यार से नहाता है, मतलब नहाना इसका फेवरेट है, कोई नौटंकी नहीं, बस थोड़ी सी मस्ती तो करता ही है मेरा बेटा क्योंकि बच्चा है और बच्चा मस्ती ना करे तो कौन करेगा। तो अब मैंने इसको अच्छे से भिगो दिया है और मग में मैंने शैम्पू घोला है इसके लिए ताकि टिक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसको। तो मैं स्पेशली इसके लिए इसीलिए लेके आई कि इचिंग बहुत होती है, तो स्पेशल इसका मैंने अभी शैम्पू चेंज किया है रिसेंटली और फ़ायदा लग रहा है आजकल, ये कम करता है खुजली वगैरह। अब देखो मैं इसको अच्छे से नहला देती हूँ, इसको शैम्पू को घोल दिया, सारी बॉडी पे फैला दिया। देखो कितनी आराम से नहा रहा है, कुछ भी कोई रिएक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, बस इंजॉय कर रहा है नहाने को। अब मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ तो थोड़ा पानी स्लो है, इतना प्यारा लग रहा है मेरा बाबू ना, प्यार से नाई नाई कर रहा है, मम्मा नहला रही है और मेरा बेटा नहा रहा है, कितना प्यारा बच्चा है ये। गर्मी के मौसम में वैसे तो हफ्ते में या 10 दिन में नहलाना चाहिए डॉग्स को, पर आजकल गर्मी है तो मैं 4 या 5 दिन बाद नहला देती हूँ ताकि गर्मी कम लगे। भाई गर्मी का मौसम है, हम जब 3 में 2 बार नहाते हैं तो इनको 3 या 4 दिन में एक बार तो जरूर नहला ही देती हूँ गर्मी के कारण। कितना एंजॉय कर रहा है ये, इसको जो है 2 घंटे तक आप नहलाते रहो, बहुत खुश है। बाबू नहा लिए, आज मेरा बेटा सुंदर बन जाएगा नहा दो के। मम्मा ने अच्छे से रगड़ाई कर दी बेटे की, बेटा साफ सुथरा बन जाएगा, फिर मैं चाहे बेड पे खेलूं, चाहे मैं नीचे खेलूं, चाहे मैं सोफे पे खेलूं, है ना दोस्तों। मैं कैसा लग रहा हूँ नहाने के बाद, क्यूट लग रहा हूँ ना, फुल एंजॉय कर रहा है मेरा बेटा, पानी को फील कर रहा है और गर्मियों में नहाना मजे आ जाते हैं, सैमी को भी मजे आ रहे हैं। देखो तो कितनी प्यारा लग रहा है, ये मैंने इसको अच्छे से नहला दिया और सारा शैम्पू भी उतर गया, अच्छे से मैंने इसको रगड़ भी दिया गले में और बैठ जा बाबू थोड़ा सा आराम से, ताकि मैं आपकी गर्दन वगैरह कानों के नीचे थोड़ा सा ये एरिया कानों वाला और ये रह जाता है, इसलिए उसको रगड़ना भी ज़रूरी है बेटा, शरीर की सफाई बहुत ज़रूरी है। ऊपर नीचे से सारे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ तुझे मैं, अच्छे से नहा लिए या और नहाना है आपको बुग्गू, और नहाना है? हाँ ये छींटे मारता रहे मुझे, सुबह सुबह का मौसम फुल इंजॉय वाला है और मस्ती का टाइम है। अब ये नहा लिया, अब ये पूरा दिन फ्रेश रहेगा और ये दोस्तों जिस दिन नहाता है उस दिन इसको बहुत तेज़ नींद आती है, सारा दिन सोया रहता है, मतलब इसको पता चल जाता है कि नहाने के बाद बॉडी कितना रिलैक्स फील करती है कि पूरे दिन है ना जैसे ये नशा कर रखा है ऐसे सोया रहता है,
मतलब आँख खोलने का नाम ही नहीं है जी। कोई कुछ भी करता रहे इसको कोई मतलब नहीं, बस कमरे में एसी चलती हो और जिस दिन आता है उस दिन तो थोड़ा थोड़ा ठंड भी फील होती है, तो बेड पे ही सोता है। नीचे वैसे ठंडा फर्श चाहिए तो नीचे लेट जाता है, वरना बेड पे। ये अपने मर्जी का मालिक है, जहाँ भी मन करे वहीं लेटेगा, बोलने से तो लेटता नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है। अब बाबू आप अच्छे से नहा लिए, मैं टॉवल लेके आ रही हूँ और आप 2 मिनट यहीं पे रुकोगे, क्योंकि मैंने तेरे गले में बेल्ट डाल रखी है कि मेरे पीछे पीछे मत भागाना। हाँ तो इतने पानी झड़का लो, मैं तेरे लिए एक दरी भी बिछा देती हूँ और तौलिया लेके आती हूँ। A few moments later. ये लीजिए जनाब, मैंने आपके लिए मैट बिछा दी है और अब मैं तुझे खोलने आ रही हूँ। यहाँ आके अपनी कमर रगड़ लेना। ये स्पेशली सैमी के लिए मैंने ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, बहुत ही अच्छी है ये मैट। और काफ़ी मैं कोटा गई थी तब भी इसको साथ लेके गई थी, क्योंकि नहाने के बाद में इसको अपना मतलब बॉडी इस पे रगड़ना, और ये इजली क्लीन भी हो जाता है वॉशिंग मशीन में, मिनटों में धुल भी जाती है और सूख भी जाती है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। तो मैं 10-15 दिन में इसको वॉश कर देती हूँ और नीट एंड क्लीन रखती हूँ सेमी के लिए। अब ये अपनी पूरी बॉडी को इसके रगड़ रगड़ के अपने आप ही पोंछ लेगा, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना एक डॉग को सुखाने के लिए ड्रायर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, वो हमें नहीं करना पड़ता। क्योंकि अब ये देखो कैसे अपनी कमर को अपने आप ही रगड़ रहा है, मैंने टावल तो भिड़ाया ही नहीं। अब टावल से मैं इसके कुछ पोर्शन जो गर्दन का, सिर का, बालों का, कानों के नीचे, ये सब मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और ड्राई हो जाएगा जल्दी। ये अपने पास भी इसकी ट्रिक है कि कमर को रगड़ता रहेगा गर्दन को अच्छे से, तो फिर जल्दी सूख जाता है, तो ड्रायर की कभी चूरती नहीं पड़ती। और ये ड्रायर से डरता भी है, इसके लिए ऑर्डर तो किया था पर ये डरता है, इसलिए यूज़ ही नहीं करते हैं। जरूरत भी नहीं पड़ती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये अपना मैट पे कमर अपने आप रगड़ लेता है। देखो कैसे रगड़ रहा है, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि इसको मैं पोंछती रहूं, या फिर देखो मैट को कैसे इकट्ठा कर देता है। हाँ हाँ कर लो कर लो, अपना बॉडी बिल्कुल साफ कर लो, जल्दी सूख जाएगा। हाँ रगड़ लो बेटे, थक गया, रगड़ते रहो मुन्ना भाई। नीचे जाके नारियल के तेल से इसकी मालिश करनी है थोड़ा सा, जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना तब भी इसकी नारियल तेल से अच्छी सी मसाज कर दूंगी, ताकि बाल थोड़े शाइनिंग करने लग जाए। और नीचे ही कोम है, इसके बाल कोम कर दूंगी तो फिर मेरा बेटा सुंदर सा लगेगा। एन ये क्या काम याद आ गया बेटा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे।